ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो में हम केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के केयर प्लस प्लान की डिटेल को समझेंगे साधारण शब्दों में। तो शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया से। ये प्लान इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों ही कैटेगरी में उपलब्ध है। अगर कोई इंडिविजुअल ही अपने फैमिली मेंबर को इंडिविजुअल कवर के साथ अंडर द कवर करना चाहता है तो अधिकतम 6 मेंबर तक अंडर द कवर आ जाएंगे और फैमिली फ्लोटर के रूप में माता पिता और उनके फाइनेंशियली 4 डिपेंडेंट जो बच्चे हैं वो अंडर द कवर होंगे। मिनिमम एंट्री एज लिमिट 18 साल का है एडल्ट के लिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 65 साल की एज है अगर उम्र हो चुकी है इसके आसपास, राइट, तो मेडिकल टेस्ट जरूर होंगे। इंडिविजुअल के तौर पे जो मिनिमम एंट्री एज लिमिट है इंडिविजुअल पॉलिसी है कवर के तौर पे 5 साल की। डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए जो एज लिमिट है वो है 91 दिन से लेकर के अधिकतम 25 साल। सम इंश्योर्ड का जो ऑप्शन है इसमें 3 लाख का एक कैटेगरी में, दूसरी कैटेगरी में 5 लाख से लेके 7 लाख और तीसरी कैटेगरी में 10 लाख से लेके 25 लाख, या कहे कि 10 लाख और 25 लाख। तो बेनिफिट को जानते हैं। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन का सिंपल सा मतलब आप लोगों को पता है कि जब हम हॉस्पिटल में जाएं और वहां पे हमें रूम की अवेलेबिलिटी ना हो, ऐसे में जो स्पेशलिस्ट हैं वो बोले कि घर से ट्रीटमेंट हो सकता है, या पेशेंट इस कंडीशन में है कि वहां नहीं ले जा सकते, घर पे ही ट्रीटमेंट करना पड़े, तो उसको डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन आपको पता है कि जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उसको इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। ऑर्गन डोनर जो ट्रांसप्लांटेशन होता है उसका जो एक्सपेंस होता है वो अंडर द कवर आ जाता है। ऑल डे केयर प्रोसीजर भी इसमें अंडर द कवर आ जाते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी या मॉडर्न ट्रीटमेंट जिसमें हम बोलते हैं रोबोटिक सर्जरी, राइट, इस तरीके के ट्रीटमेंट। अब ये पांचों बेनिफिट आपको तीनों ही कैटेगरी में आपको अंडर द कवर मिलते हैं अप टू द सम इंश्योर्ड। अब बात आती है यहाँ पे प्री हॉस्पिटलाइजेशन, इसको हम समझते हैं पहले। मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है और वो हॉस्पिटल में अभी एडमिट नहीं हुआ, उसने अपना घर पे या किसी भी तरीके से उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है, अब उसी ही डिजीज के चलते उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, तो ऐसी जो कंडीशन है हॉस्पिटलाइज होने से 60 दिन पहले तक वो अंडर द कवर आएगी। अब वो व्यक्ति जो है डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से और अपने घर पहुंच गया, तो ऐसे में उसके डिस्चार्ज होने के बाद में उसके मेडिकल एक्सपेंसेस भी होंगे जो कि 90 दिन तक अंडर द कवर आएंगे। अधिकतम लिमिट रखी गई है वो है आपके समर शॉर्ट तक। अब बात आती है यहाँ पे एम्बुलेंस एक्सपेंसिस की, राइट। एम्बुलेंस एक्सपेंसिस जो है वो है 2000 रुपये, क्योंकि रोड एम्बुलेंस की बात हो रही है यहाँ पे, प्रति हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब जब भी हॉस्पिटलाइजेशन होगा तब 2000 रुपये तक मिल जाएंगे। अब बात आती है अनलिमिटेड रिचार्ज, मतलब जितनी बार भी समर शॉर्ट खत्म होगा एक पॉलिसी ईयर में वो अपने आप रिचार्ज हो जाएगा। अगर कोई हॉस्पिटलाइज ऐसे में है तो वो सेम इलनेस के लिए भी उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। सेकेंड ओपिनियन भी आपको मेजर क्रिटिकल इलनेस या मेजर स्वास्थ्य संबंधी समस्या में आपको वंस इन अ पॉलिसी ईयर वंस फॉर पर मेंबर अंडर द कवर मिलता है। हेल्थ चेकअप भी आपको एनुअली अंडर द कवर मिल जाता है, लेकिन अडल्ट के लिए होता है वो। आयुष ट्रीटमेंट भी आपको तीनों कैटेगरी में अंडर द कवर मिलता है, उस पर लिमिट है आपके समर शॉर्ट का 10% तक का, ठीक है। एयर एम्बुलेंस में इसमें क्या होगा जी, बेसिक समर शॉर्ट आपका या 5 लाख रुपए तक, इन दोनों में से जो भी कम होगा वही अंडर द कवर आएगा। तो यहाँ पे अंडरस्टूड हो गया कि 3 लाख के साथ तो ये अंडर द कवर नहीं होगा। रूम रेंट पे लिमिट है, अगर 3 लाख का सम इंश्योर्ड लेंगे, मतलब 3 लाख का समर शॉर्ट आपने लिया होगा, तो 1% आपके समर शॉर्ट का प्रतिदिन, बाकी ऑप्शन के साथ में सिंगल प्राइवेट एसी रूम अंडर द कवर आएगा। आईसीयू पे भी कैपिंग है, अगर आपने 3 लाख रुपए का समर शॉर्ट लिया होगा वो है 2% आपके बेसिक सम इंश्योर्ड का प्रतिदिन, बाकी ऑप्शन के साथ में आपको कोई लिमिट देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलती है। और वैसे भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस आज के ज़माने में ले रहे हैं जहाँ पे आपको हर तरीके की फैसिलिटी मिले, तो ऐसे में 5 लाख से ऊपर तो होना ही चाहिए समर शॉर्ट। नो क्लेम बोनस 50% से लेके 200% तक का है आपके बेसिक समर शॉर्ट का। अब देखिए, अगर पॉलिसी ईयर में क्लेम होता है और उस क्लेम का अमाउंट आपके जो सम इंश्योर्ड है उसका 25% तक भी है, तो ऐसे में जो नो क्लेम बोनस है वो 50% डिग्रीज हो जाएगा और वहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि ये नो क्लेम बोनस है। ओपीडी कवर भी आपको मिलता है, लेकिन 3 लाख का सम इंश्योर्ड अगर आप लेंगे तो वहाँ पे अंडर द कवर नहीं होगा। अब आउट पेशेंट, इसमें सबसे पहले कंसल्टेशन अंडर द कवर आती है जो कि है 1500 रुपये का, अगर आपका जो सम इंश्योर्ड है वो 5 लाख या 7 लाख का है, लेकिन इससे ऊपर आपका सम इंश्योर्ड है तो 2500 रुपये तक आपको मिल जाएंगे और पर सिटिंग के 350 रुपये का इस पर लिमिट है। बोलते हैं ना पर कंसल्टेशन, उसको पर सिटिंग भी बोलते हैं, तो 350 रुपये का वहाँ पे आपको लिमिट मिल जाता है। अब बात आती है कि दांतों से संबंधित कोई समस्या आ गई या आंखों से संबंधित कोई समस्या आ गई तो उसके लिए ओपीडी में जाते हैं। 5 लाख या 7 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 1500 रुपये तक आपको लिमिट है। 10 लाख या 25 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 2500 रुपये तक का आपको इसमें लिमिट देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ में
इस प्लान के अंदर अनलिमिटेड आपको ई कंसल्टेशन मिल जाती है। अब ई कंसल्टेशन, आप ई का मतलब समझ गए हैं कि इंटरनेट के थ्रू ही वो मिल पाएगी, यहाँ पे वही मतलब है। इलेक्ट्रॉनिक मोड को ई वर्ड यूज किया जाता है, राइट। चैट, वीडियो कॉल जर्नल फिजिशियंस के साथ में, तो ऑब्वियसली बात है वो एप्लीकेशन के थ्रू ही हो पाएगा इनकी। इसी के साथ इस प्लान में पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिलता है, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ और जो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है वो अंडर द कवर आता है। उसके लिए बेसिक क्षमा शॉट का 100% तक अवेलेबल रहता है। अब इन्फ्लेशन शील्ड दिया गया है। सिंपल सी बात है कि जो इन्फ्लेशन रेट है उसके अकॉर्डिंग या उसको टैकल करने के लिए उस रेट के अनुसार आपका जो बेसिक क्षमा शॉट है वो बढ़ता रहेगा, राइट, जब भी आप पॉलिसी को रिन्यू कराएंगे कम्युनिटिव बेसिस में। अब इसमें एक एक्स्ट्रा सर्विस भी दी हुई है जिसका आपको कि चार्ज पे नहीं करना है, वो है हेल्थ सर्विस। क्या होगा, इनका एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको इनका हेल्थ पोर्टल मिल जाएगा, जहाँ से डॉक्टर से चैट कर सकते हैं। सेफ जो हेल्दी टिप्स एंड रिमाइंडर होते हैं डाइट वगैरह लेके, वो भी आपको मिल जाएंगे। डिजिटल लॉकर मिल जाएगा जिसमें आप अपनी मेडिकल ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं। बाकी कंपनी के नेटवर्क से अगर कोई सर्विसेज वगैरह आप लेते हो तो वहाँ पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर है अर्न एंड बर्न। अर्न एंड बर्न के आपके नाम से ही पता लग रहा है इसके कि वेलनेस प्रोग्राम है, या आप पूरा करेंगे, अपने आप को फिट रखेंगे तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा रिन्यूअल पे। मेटर्निटी एक्सपेंसेस आप अंडर द कवर ले सकते हो। 24 महीने का वेटिंग पीरियड होगा। 15,000 रुपये तक आपको कवर मिलेगा अगर 5,00,000 तक का समय शॉट है या इससे कम है। अगर 5,00,000 से ज़्यादा का समय शॉट होगा तो 25,000 रुपये तक आपको अंडर द कवर मिल जाएंगे। इंटरनेशनल सेकंड ओपिनियन आप अंडर द कवर ले सकते हो, एड ऑन है ये। वंस इन अ ईयर मेजर क्रिटिकल इलनेस जो होती है उसी केस में काम आएगा। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पे 36 महीने का वेटिंग पीरियड है, और स्पेसिफाई एलिमेंट है जैसे कि कैटरेक्ट है, हर्निया है, नी रिप्लेसमेंट है, उस पे 24 महीने का वेटिंग पीरियड है। फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन पे 30 दिन का वेटिंग पीरियड है। बाकी इनका एक और एड ऑन है जिसका नाम है स्मार्ट सेलेक्ट। वो मुझे सही नहीं लगा क्योंकि उसकी वजह से कोपे वहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा था। बाकी इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, या लिंक दिया डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो एक चीज़ आपको समझनी है, दूसरों को समझानी है कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, और प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। आपने सुझाव दिया।